Welcome back to Economics Learning. Today we discuss type of foreign aid. ये foreign aid है, हम इसकी आज types को देखेंगे कौन कौन सी हैं. First है bilateral aid. ये एक common सी type है international aid की. इसमें एक जो developed country है वो underdeveloped countries को एक agreement के तहत aid देता है. जो एड देने वाला कंट्री है वो चंद एक शरायत जो है ना वो तय करता है, और जो लेने वाला कंट्री है वो उनसे इत्तफाक करता है, उन्हें मानता है. इस किस्म के जो मुआहदे हैं ना, इसकी दो वजूहात होती हैं. एक तो होती है जियोपॉलिटिकल और दूसरी होती है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जैसा कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, अदर नेचुरल जो है डिजास्टर हो गया. सेकेंड है मल्टीलेटरल एड. इसमें जो कंट्रीज हैं उनके एक ग्रुप की तरफ से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो तरक्की पजीर कंट्रीज हैं उनकी मदद के लिए जमा किए गए फंड शामिल होते हैं, जो ज्यादातर वक्त सरमाए का इस्तेमाल दुनिया के जो गरीब तरीन जो कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनकी मदद करना, उनकी भूख जो है उनको खत्म करना और इंसानी हालात हैं उनके उनको बेहतर बनाना है. और इसको जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, नेशन जो हैं बड़े, उनमें पॉवर्टी जो है उनको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. नंबर थ्री है टाइड एड. ये दो तरफा ना हेल्प होती है. ये बाइलिटरल जो एड है इसकी तरह ये काम करता है. तहम मुआहदे में कहा गया होता है कि ये जो डेप्ट है या जो कर्ज की पूरी रकम है एक मखसूस मुल्क पर खर्च की जानी चाहिए. ज्यादातर वक्त यह तो डोनर मुल्क या इसके जो इत्तेहादी होते हैं उनके ग्रुप का होता है. और टाइड एड को प्रोटेक्शनिज्म की फॉर्म भी कहा जाता है. डेवलप्ड कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना वो सरमाया जो है दूसरे को दे देती है, लेकिन जो वसूल कुनंदा इसे सिर्फ अतिया देने वाले की जो मैशियत होती है ना उसको बेहतर बनाने पर खर्च कर सकता है. नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एड. ये मखसूस जो मंसूबे होते हैं ना उनमें मदद करने के लिए काम आता है. मिसाल के तौर पर एक कंट्री है किसी अपने इलाके में कोई स्कूल या हॉस्पिटल की तमीर में दूसरे जो कंट्री है उसकी मदद कर सकता है. नंबर फिफ्थ है मिलिट्री एड. मिलिट्री जो एड है ना बाइलिटरल या मल्टीलिटरल के बरक्स काम करती है, और ये चैरिटी के बारे में नहीं है. मल्टीलिटरल एड जो है ना ये वेपन को बाई करना या सेल करना या डिफेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना इनके बारे में होती है. जब बहरान होता है तो जो कंट्री है अक्सर अपने मुखालफीन से लड़ने के लिए वेपन हासिल करने के लिए जो बैन अल-अक़वामी है ना उनसे मदद तलब करते हैं. सिक्स पे है वॉलंटरी एड. ये जो वॉलंटरी एड है ना चैरिटी की फॉर्म में ही काम करती है. जो बुनियादी तौर पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस जो है ना के जरिए किया जाता है, और इसमें जरूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट का इसमें कोई लिंक हो. मिसाल के तौर पर जैसे कि डॉक्टर विदाउट बॉर्डर है प्रोजेक्ट है, इसके तहत जिसमें कंट्रीज के अंदर हेल्थ के प्रॉब्लम है ना उनके अंदर डॉक्टरों को भेजा जाता है ताकि इनके हेल्थ जो प्रॉब्लम है ना उनको खत्म किया जा सके. लास्ट पे है ह्यूमैनिटेरियन एड. ये जो एड होती है ना अक्सर जो कुदरती आफात से मुतासर कंट्रीज है ना उनको दी जाती है. ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है. इसमें सेवरल जो नेशन है वो इन्वॉल्व होती है. एनजीओस, प्राइवेट एंटिटीज, डोनेशन रिसोर्सेज और सर्विसेज ड्यूरिंग द क्राइसिस जो होते हैं. सो ये था आज का हमारा लेसन. थैंक यू.